আপনারা দুই হাত করতালির মাধ্যমে উনাকে ভাষণের মঞ্চে স্বাগত জানান। ধন্যবাদ। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई सिलचर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? ऐसे सरकार बनेगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय जी, श्रीमान नित्य भूषण डे जी, श्रीमान बिमलेंद्रु रॉय जी, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान सुंदरपाल जी, श्री रूपम शाह जी, श्री रामकृष्ण सिन्हा जी, श्री बीरेश बनर्जी जी, श्री कानत पुरकायस्थ जी, श्री उदय शंकर गोस्वामी जी, श्री कीर्ति भूषण पुरकायस्थ जी, श्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी, श्री दुलाल दास जी, श्री श्यामल देव जी, और आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज तीन जगह मैं यहां जाकर आया हूं और मैं आपको मेरे सभी राजनीतिक अनुभव के आधार पर बताता हूं कि असम में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले होली और डोल यात्रा का उत्सव 28 मार्च को है, मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बंगालियों का नया साल भी 14 अप्रैल को है, बीच में मैं आ नहीं पाऊंगा तो इसके भी आपको बहुत अग्रिम बधाइयां देना चाहता हूं। और ये आसाम माँ कामाख्या की भूमि है, हमेशा माँ का आशीर्वाद आसाम पर हम सभी पर रहा है। आज इस भूमि पर माँ कामाख्या को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं कुछ लंबी बात नहीं करनी है, मैं दो चार मुद्दे पर ही बात करना चाहता हूं। अभी अभी कांग्रेस पार्टी उसके नेता असम में पर्यटन पर आए थे, टूरिस्ट बनकर आए थे, राहुल बाबा आए थे, राहुल बाबा। अरे क्यों हंस रहे हो भाई, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट किया कि बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है। मुझे बताइए सिलचर वालों, ये महान असम की जनता की पहचान बदरुद्दीन अजमल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? यहां पर अनेक प्रकार के लोग असम अपनी कोख में पाले हुए हैं, बंगाली भी हैं, मणिपुर को भी लोग हैं, उत्तर भारतीय भी हैं, असम के लोग हैं, ट्राइब्स हैं, सब लोग हैं। क्या बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान हो सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, हो सकते हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी, बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उस बात को बताता है, अगर फिर से उनकी सरकार बनी तो घुसपैठियों से पूरे असम को भर देना है। मुझे बताओ माताओं भाई और बहनों, ये घुसपैठिए जो आते हैं
आप चाहते हैं कि उनकी बाढ़ यहां आ जाए फिर से? चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? और एक कांग्रेस पार्टी, अलग अलग कलर रखने वाली पार्टी, कि प्रियंका जी आसाम में जाती है तो गमछे पर नो सीएए लिखती है। क्या लिखती है? जोर से बोलो, क्या लिखती है? और यहां आती है तो गमछा ऐसा साफ सुथरा हो जाता है। इस वहां सीए का विरोध करते हैं, यहां चुप्पी साध लेते हैं। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी के देखने के और चबाने के दांत अलग है मित्रों, अलग है, इसको पहचान की जरूरत है। एक कांग्रेस पार्टी की लड़ाई कराने की और राज करने की नीति के कारण ही आसाम आज तक आंदोलन और आतंकवाद से घिरा रहा। ओ भाई, आप थोड़ा शांति से बैठो। आज तक आसाम आंदोलन और आतंकवाद से घिरा रहा। और मित्रों, लास्ट टाइम चुनाव जब था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैंने कहा था एक बार मोदी जी के नेतृत्व में आसाम में सरकार बना दीजिए, हम आसाम को आंदोलन मुक्त करेंगे, हम आसाम को आतंकवाद मुक्त करेंगे, आसाम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। और मैं 5 साल के बाद आया हूं मित्रों, आप मुझे बताओ आसाम के अंदर आतंकवाद कहीं दिखाई पड़ता है क्या? जोर से बोलो, दिखाई पड़ता है क्या? आसाम के अंदर आंदोलन कहीं दिखाई पड़ता है क्या? अरे जोर से बोलो, दिखाई पड़ता है क्या? आसाम के अंदर गोली चलती है क्या? आसाम का युवा मरता है क्या? भारतीय जनता पार्टी आती है तो आतंकवाद और आंदोलन समाप्त हो जाते, और कांग्रेस पार्टी आती है तो आतंकवाद और आंदोलन फिर से शुरू हो गई। और ये बदरुद्दीन अजमल को लाकर वो वही बता रहे हैं कि हम तो घुसपैठ होने देंगे, घुसपैठ होने देंगे। मित्रों, मैं आश्वस्त करता हूं आप लोगों को, यहां जो आए हैं शरणार्थी, उनको नागरिकता भी मिलेगी और घुसपैठियों को निकालने का काम भी। मोदी जी के नेतृत्व में हमने विकास को ही हमारा मुख्य एजेंडा बनाया, सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र बनकर रहा। मित्रों, हमने यहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट को हम जल्दी से जल्दी सिलचर में पूरा कर पूरे पूर्वी देशों में यहां से उत्पाद जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय के तत्वाधान में सिलचर के अंदर रक्षा यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई है, रक्षा यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा सेंटर आसाम में खुलेगा, वो हमारे सिलचर के अंदर खोलने का हमने तय किया। यही सिलचर के अंदर सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिए एक ऐसी जेड बनेगा जिसमें प्लग एंड प्ले की दृष्टि से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, युवा आएगा, किराया देगा, अपनी इंडस्ट्री चलाएगा और अपना माल का सामान निर्यात कर पाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था करनी है। युवाओं को कोई मुड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलचर हवाई अड्डे को भी अपग्रेड कर आने वाले दिनों में हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने वाले हैं मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और आप मुझे बताइए भाइयों, कांग्रेस की सरकार 15 साल थी, कोई काम आसाम के अंदर विकास के हुए थे क्या? कैसे होते? उनकी तो इलू इलू चल रही थी अजमल से। लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन तो नहीं किया, मगर बदरुद्दीन अजमल ने यहां पर प्रत्याशी नहीं दिया था, साथ वाली सीट पर भी प्रत्याशी नहीं दिया, क्योंकि उनका इलू इलू चल रहा था।
मगर इस बार तो ऐसे गोपनीय तरीका भी नहीं रखा है। राहुल गांधी बदरुद्दीन अजमल के कंधे पर बैठकर ही आए हैं, अब छिपाने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ भाई, सिलचर कटिगोरो बाय रोड पर कौन कौन गया है? हड्डियां टूट जाती थी ना, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो विकास होता है। उसका उल्लेखनीय उदाहरण रेलवे का ब्रॉड गेज में बदलना है। जो 18 साल से मांग थी वो पूरी नहीं होती थी। 2015 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने रेलवे को ब्रॉड गेज बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आसाम में 10,700 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण रास्ते बनाए हैं, 20,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बनाए हैं और मूल सुविधाओं का यहाँ पर ताता लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर ढेर सारे विकास के काम किए हैं, मगर हम और भी करना चाहते हैं। हमारा घोषणा पत्र लेकर आए, और पार्टियों के लिए तो ये चुनाव घोषणा पत्र होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संकल्प पत्र होता है। हमारा संकल्प होता है जो पूरा होता है। मोदी जी ने कहा था हम 370 और 35 से हटाएंगे, हमने 370 और 35 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। मोदी जी ने कहा था, हमारे संकल्प पत्र में था कि हम राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाएंगे, और आज राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। मित्रों, हमने कहा था ट्रिपल तलाक को हम समाप्त कर देंगे, और आज मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, हम आने वाले 5 साल में ये पंथरकंडी मेगा फूड पार्क की स्थापना करेंगे, जो समग्र बराक घाटी के अंदर रोजगारी देगी। एक यहां पर ही मैंने कहा मेगा ऐसी जेड बनाएंगे जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होगा। निर्यात में वृद्धि करने के लिए सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम भी तुरंत ही पूरा कर दिया जाएगा। और यहाँ जो मिनी सेक्रेटरिएट बना है अभी भी आधा अधूरा है। 5 साल के अंदर असम सरकार के सारे डिपार्टमेंट यहाँ चालू कर आपको हमेशा के लिए गुवाहाटी न जाना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। तिहू में मेगा फूड पार्क बनाएंगे। यहाँ पर एक घुसपैठिए नशा लेकर आते हैं, नशा नार्कोटिक्स लेकर आते हैं। हमने तय किया है सिलचर के अंदर बराक घाटी के लिए एक स्पेशल नार्कोटिक्स सेल बनाकर युवाओं को नार्कोटिक्स से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने आसाम के लिए बजट जो दिया उसमें आसाम के लिए 53,000 करोड़ की नई सड़कों की घोषणा मोदी जी ने की है। मित्रों, नई सड़कों की घोषणा, मोदी जी ने चाय बागानों के लिए 1,000 करोड़ रुपया उनके आवास, उनकी स्कूल और उनके स्वास्थ्य के काम के लिए अलग से 1,000 करोड़ रुपया देना है। एक और मोदी जी और असम भाजपा सरकार चाय बागानों के अंदर उनके विकास का काम करती है, और प्रियंका जी आती है तो मार्च महीने में चाय की पत्ती बैठने के पहले ही पत्ती चुनने का फोटो सेशन करती है। अरे भाई, क्या चुन रहे हो, पत्ती ही नहीं बैठी, मगर वो फोटो सेशन करी। मित्रों, हमने 5 साल के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में
छह पुल बनाए, तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपीज 46,000 करोड़ रुपया दिया है। गुवाहाटी के अंदर नवा नया हवाई अड्डा बन रहा है, जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है, टिहू में फूड पार्क बन चुका है, जोगी दोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, गोगामुख के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बन रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने शिव सागर में 1,00,000 लोगों को जमीन का पट्टा देने का काम किया और आसाम की 8,000 करोड़ की रॉयल्टी को भी देने का काम किया। मित्रों, ये जो बदरुद्दीन अजमल के साथ इलू इलू करते हैं ना, इसलिए आसाम का गौरव अभी मुझे गेंडा दिया ना गेंडा, आसाम का गौरव काजीरंगा के जंगलों में, काजीरंगा की जमीन एक घुसपैठियों ने कब्जाई थी और गैंडे को मारने वाले शिकारियों से काजीरंगा का जंगल भरा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, गैंडे को मारने वाले शिकारी आसाम छोड़कर आसाम के बाहर चले गए, आज हमारा गैंडा सुरक्षित। जिन्होंने जमीन कब्जाई थी, लैंड जिहाद के सामने एक और बार भाजपा सरकार बना दो, मैं बताता हूं ये लैंड जिहाद करने वालों को दिन में आसमान के तारे गिनवाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, आसाम के अंदर भी दुनिया भर में आ रहा है, देश भर में आ रहा है, यहां पर भी कोरोना है। मेरा मंत्रालय गृह मंत्रालय कोरोना का नोडल मंत्रालय, देश भर के लोग एक्सपर्ट आसाम की चिंता करते थे कि आसाम के अंदर क्या होगा, परंतु मैं सर्वानंद जी और हेमंत विश्व शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आसाम को कोरोना से बचाने का काम किया। सबसे कम नुकसान अगर कोरोना ने कहीं किया है तो आसाम के अंदर किया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने आसाम के गरीबों के लिए एक आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को जितना भी स्वास्थ्य का खर्चा होता है उसमें 5,00,000 तक का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। और मित्रों, हमने 6 नए मेडिकल कॉलेज आसाम के अंदर बनाए। किसानों को हमारी सरकार बनने के बाद अभी 6,000 रुपया प्रति साल देते हैं, हमारी सरकार बनने के बाद 6,000 की जगह 8,000 रुपया प्रति साल देंगे। ढेर सारी चीजें और भी हमने तय करी। 8वीं कक्षा के बाद जो भी बच्ची पढ़ाई करेगी उसको साइकिल देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की आसाम सरकार करने वाली है, और ग्रेजुएशन के लिए जो बच्ची दाखला लेगी उसको न्यू ब्रांड स्कूटी भाजपा सरकार देगी। बच्ची स्कूटी पर बैठकर कॉलेज तो जाएगी, शाम को अपनी माँ को बिठाकर सब्जी लेने के लिए भी जाएगी। मित्रों, राज्य के सभी ब्लॉक में हम बीएड कॉलेज बनाकर प्राथमिक शिक्षा के लिए एक मजबूत खाका बनाना चाहते हैं। हमने तय किया है कि 2022 तक, आजादी के 75 साल समाप्त होने तक, आसाम के अंदर 2,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और 8,00,000 युवाओं को प्राइवेट में नौकरी दिलाने का काम करेंगे। हमने तय किया है कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर जो बेड्स है उसकी संख्या को 2 गुना कर आसाम को बीमारी से मुक्त कराने का काम करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि चाय मजदूरों की मजदूरी 350 तक बढ़ाने का काम आसाम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, और हर चाय बागान में एक स्कूल का निर्माण और हर 10 चाय बागान के अंदर एक कॉलेज का निर्माण करेंगे। हमने तय किया है मित्रों, पहले भी मैंने बता दिया कि लैंड जिहाद करने वाले माफियाओं को आसाम के अंदर
जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे सिलचर को अब गैस की बोतल नहीं लेनी पड़ेगी, आपके घर में पाइप से गैस पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार करने वाली। असम के अंदर जितने भी नामघर है वो सभी नामघर को 2.5-2.5 लाख रुपया देकर उसको बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, मैं आज यहां पर आया हूं, असम देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। असम पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश के साथ जोड़ने वाला राज्य है और नॉर्थ ईस्ट देश को 7 देशों के साथ जोड़ता है। असम के अंदर सुरक्षा, असम के अंदर शांति, असम के अंदर आतंकवाद की समाप्ति, असम के अंदर आंदोलन की समाप्ति, वो देश के अंदर शांति और सुरक्षा का एक राजमार्ग। और हमने बोडोलैंड के समझौता कर और 2000 से ज्यादा आतंकवादियों को हथियार डलवा कर असम के अंदर एक चीरकालीन शांति स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और पूरा पूर्वोत्तर और हमारा ये असम आज पूर्वी भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, मगर ये कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के कंधे पर बैठकर आ रही है। मुझे बताओ भाई, बदरुद्दीन अजमल के कंधे पर बैठकर नॉर्थ ईस्ट का भला हो सकता है क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, हो सकता है क्या? फिर से सुनाई नहीं पड़ता है, हो सकता है क्या? असम और नॉर्थ ईस्ट का भला केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और मैं आप लोगों को अपील करने आया हूं, भाई आ गया हो, हमारे प्रत्याशी आ गया हो भाई। हमने जिनको टिकट दिया है पार्टी ने सोच विचार कर दिया है। मैं गारंटी लेता हूं ये हमारा भाजपा का कार्यकर्ता है, 20 साल तक आपकी बहुत अच्छे से सेवा करेगा। इसको चुनकर भेजिए, हर पड़ाव पार करते करते यहां तक पहुंचा है, आगे बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। मेरी बात याद रखिएगा सिलचर वालों, बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, एक बार सिलचर वाले चुनकर उसको गुवाहाटी में भेज। मुझे बताओ भाई कमल के निशान पर बटन दबाओगे? पक्का दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? दीपायन चक्रवर्ती को जिताओगे? असम को आंदोलन मुक्त बनाओगे? असम को घुसपैठिया मुक्त बनाओगे? असम को आतंकवाद मुक्त बनाओगे? असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए भाजपा को वोट देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।